साथ ही विभिन्न विभिन्न पूजन के अवसर पर सम्माननीय हम सब के नेता और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं एक बार तालियों से स्वागत करिए भूपेश भैया, भूपेश भैया, चरण भैया। सम्माननीय भूपेश बघेल जी, साथ में कृषि मंत्री सम्माननीय रविन चौबे जी हमारे बीच कम समय के लिए आए थे, चले गए। सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महन जी, सम्माननीय डरिया साहब, सम्माननीय अमरजीत भगत जी, सम्माननीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, सम्माननीय नजीर अजहर जी, सम्माननीय कलेक्टर साहब, सम्माननीय एसपी साहब, सम्माननीय सीओ मैडम और सम्माननीय जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और सम्मानित हमारे पूरे जिले के आए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सम्मानित दूर दराज से आए जनकपुर के अंतिम छोर से भी आए सभी मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं कम समय में कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 साल की सरकार ने सिर्फ 10 महीना काम किया है। 10 महीने में जो हमने काम किया और हमारी सरकार ने काम किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, 15 साल की सरकार ने, एक तरफ 15 साल और हमारा 2 साल, इसलिए क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो आपने किसानों के लिए किया, जो आपने आदिवासी भाइयों के लिए किया और आज लगातार आप दिन रात किसानों की चिंता किए हैं। भरतपुर वनांचल क्षेत्र था, लगातार पिछड़ा क्षेत्र था, आपने जन्मदिन के दिन घोषणा किया था कि हम आपका खटगोड़ी में सब स्टेशन बनाएंगे, आपने 2 महीने के अंदर आपने घोषणा किया और कल ही आदेश हो गया, आज आपने भूमि पूजन कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो तो ऐसा कि आपने घोषणा किया, आपने किया। इसके अलावा केलहारी को आपने तहसील बनाया, इसके अलावा आपने जिले में 75 नया ग्राम पंचायत बनाया, उसमें हमने आपको आज एक मॉडल के रूप में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने तैयार किया है। निश्चित रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद रहेगा तो हम चाहते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि हमारे जिस तरह से आपकी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, निश्चित रूप से आपको आपके मार्गदर्शन में कोरिया जिले में दिखने लगा है। चाहे वो केबीके की बात करें, चाहे कृषि विभाग की बात करें, चाहे हमारे मनरेगा में पूरे ग्राम पंचायतों में जिस तरह से गौठान निर्माण का काम चल रहा है, हमारे महिला समूह जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हमारे किसान भाइयों के जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आया है। इसलिए मैं चाहता हूं आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं आपसे एक छोटी सी मांग रखता हूं, आपसे क्षमा मांगते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बड़ी सौगात दी है, आपने सोनहत में एकलव्य विद्यालय की 20 करोड़ की लागत से सौगात दी है, आपने भरतपुर के जनकपुर मुख्यालय में 20 लाख की सौगात, 20 करोड़ की लागत से 2-2 सौगात दी है। इसलिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक लंबे समय से 15 साल की सरकार नहीं कर पाई, इसलिए मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं हमारा नागपुर शिक्षा के क्षेत्र में, वहां से 25-25 किलोमीटर वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर नया कॉलेज की स्थापना होता कि वहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो। इन्हीं बातों के साथ सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 2-2 घंटा इंतजार किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।